ये लो, ये ले वे, गाड़ी पार्क कर दियो। अरे आप लोग मुझे चाबी क्यों दे रहे हो? अरे कर दियो गाड़ी पार्क, हमारे हैं अभी थोड़ी देर में। अरे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई, मैं गाड़ी पार्क करने वाला थोड़ी हूँ। तो फिर कौन है तू? इस कंपनी का सीईओ है क्या? वैसे भी मुझे तो बेरोजगार ही लग रहा है तू। अरे सौरभ तुम समझे नहीं, एक मिनट ये लो गाड़ी पार्क कर देना। अरे हद है, आपने तो बदतमीजी की हद ही पार कर दी। क्यों, कम पड़ गए क्या? कोई बात नहीं, हम ना एक बहुत बड़ी डील क्रैक करने जा रहे हैं। एक बार डील क्रैक हो जाए उसके बाद हम दोनों भी तुम्हारे बॉस ही हो जाएंगे। फिर कल से तो रोज तुम्हें गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, तो आज भी कर दो। चलो सौरभ, आप दोनों के साथ काम करके हमारी कंपनी को फायदा ही होगा, इनफैक्ट दोनों को ही बेनिफिट है। थैंक यू सर, फिर तो हम ये डील अब डन समझते हैं। श्योर, एक बार नितिन सर आ जाएं, फिर डील फाइनल करते हैं। नितिन सर आ रहे हैं? अच्छा चलो कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे। ये लो सर, आ ही गए सर। ऑल गुड। तुम आप इस कंपनी के बॉस हो? यस ब्रदर, आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी। ओके सर। हाँ, बैठने के लिए नहीं बोला, खड़े रहो। आई एम सॉरी सर, वो हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आपने कपड़े ही कुछ ऐसे पहन रखे थे कि हमें लगा आप गाड़ी पार्क करने वाले हो, इसलिए हमने आपको चाबी दे दी गाड़ी पार्क करने के लिए। प्लीज़ हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर दो आप। हाँ तो दिक्कत क्या है इन कपड़ों में? मैंने कोट नहीं पहना हुआ, तो इसका मतलब कि आप मुझे ऐसे देखकर कैसे भी जज कर लोगे? अरे तुम होते कौन हो? मेरा मन, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं। सर प्लीज़ देखिए, आई एम सॉरी, मुझे पता है आप अभी बहुत गुस्से में हैं, पर बाहर जो कुछ भी हुआ आई होप उसका इफेक्ट हमारी डील पे ना पड़े। सर वेरी सॉरी, पर अगर इसका इफेक्ट हमारी डील पे पड़ा तो हम दोनों की कंपनी बर्बाद हो जाएगी सर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उस बिहेवियर को मैं टॉलरेट करूँगा? नहीं, मैं सब कुछ टॉलरेट कर सकता हूँ, पर वो गंदा एटीट्यूड नहीं। इवन मैं लॉस भी टॉलरेट कर लूँगा, पर जो तुम दोनों ने मुझे नीचे अपना ये गंदा एटीट्यूड दिखाया ना, उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। आई बात तुम दोनों को समझ? मैं जानता हूँ अगर मैं आपके साथ में ये डील नहीं करूँगा तो आपको और आपकी कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस होगा, पर मैं जानबूझ के कंपनी की डील को साइन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ही तो पता चले कि किसी के साथ में अच्छे बिहेवियर करने के बाद में ही लिंक बनते हैं। और अगर आप ऐसे गंदा एटीट्यूड रखोगे ना, तो मैं क्या किसी और कंपनी का बॉस भी होगा ना, वो भी इस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेगा। और एक चीज़ और, तुम घमंड किस चीज़ का दिखा रहे हो? पैसों का? अरे पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसों के ऊपर कौन घमंड दिखाता है? और जो लोग गरीब होते हैं बेचारे, तुम उनके साथ में ऐसा गंदा बिहेव करते हो, इससे तो यही पता चलता है आज तुमने मेरे साथ क्या है। पता नहीं कितने वर्षों से तुम कितने लोगों के साथ में ऐसा बिहेव करते होगे, और आने वाले टाइम में भी ऐसा बिहेवियर कर रखोगे उनके साथ में। एक चीज बता दूं आपको, अमीर हो या फिर गरीब हो, इज्जत सबकी होती है, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। और अब आप दोनों का ना बहुत ज्यादा हो गया, आप दोनों जा सकते हो, जाओ यहां से।